मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको कौए और भेड़िए की कहानी सुनाते हैं। जिन बच्चों को हिंदी पढ़नी कम आती है, वो बच्चे कहानी सुनने के साथ साथ हिंदी पढ़ना भी सीखें। एक दिन की बात है, एक कौआ को एक रोटी मिली। कौआ रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर आ बैठा। उसी समय उधर से एक लोमड़ी गुजर रही थी। लोमड़ी ने कौए की चोंच में रोटी देखी। वो कौए के पास आकर बोली, कौआ भाई कहाँ थे? लेकिन कौआ कुछ नहीं बोला। लोमड़ी ने फिर कहा, कौआ भाई सुना है तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, एक बार मुझे भी सुनाओ। लोमड़ी के मुंह से अपनी आवाज की तारीफ सुनकर कौआ मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर लोमड़ी बोली, अपनी मधुर आवाज मुझे भी सुनाइए महाराज। कौआ लोमड़ी की बात सुनकर जैसे ही गाने को हुआ, उसके मुंह में दबी रोटी नीचे गिर गई। रोटी नीचे गिरते ही लोमड़ी ने रोटी पर झपट्टा मारा और रोटी खाकर वहां से चली गई। भूखा कौआ लोमड़ी को देखता रह गया और अपने किए पर बहुत पछताया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आप सब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी आप सब माता पिता की आज्ञा का पालन करें और हमेशा खुश रहें।